वह पहले चूहा था, फिर बिलार हुआ, फिर देखते देखते शेर बन बैठा। शहद चाटते चाटते वह खून चाटने लगा है। अरे भाई जागो, तुम्हारे ही वरदान से यह हुआ है। इन दिनों खुलकर कोई नहीं हंसता, कोई नहीं रोता खुलकर। हंसना छुपा होता है रोने में, रोना छुपा होता है हंसने में। यह भेद मुझे नौटंकी के उस मस्खरे ने बताया, जो गांव के बाजार में मुर्गे बेचा करता है। तुम्हारी खूबसूरती है या मौत का ख्याल, बागों में इस बार कुछ ज्यादा ही खिले हैं गुलाब। देखो इन मोरों की आंखों में बादलों का तवील इंतजार। हमारी बेचारगी, तुम्हारे नाजो अंदाज, तारीख गवाह है, किताबें भरी पड़ी हैं जिंदा अफसानों से। इस कशमकश का हासिल क्या है, वसल या फिराक? ये आड़ी तिरछी सी लकीरें जिनसे बने हुए दायरे को हम मुल्क कहते हैं, जहां आजादी के लिए रूहें रहती हैं तड़पती। कैद खाने नहीं तो और क्या है। युग बीत गए, वक्त बदल गया, किताबें चाट डाली गई, लेकिन कहीं कोई मसीहा सच कहने को आज भी नहीं आया। कहते हैं कि आंखों में छुपी हुई होती है मौत की आहट। घर हो या बाजार, किसी से नजर मिलाते ही इन दिनों होने लगती है घबराहट। क्या नफासत से चाबुक मारते हैं हुकाम, मजा आ रहा है कहते हैं आवाम। वो मेरे भाई ही हैं, कोई पराए नहीं, जो बात बात पर मुझे कहते हैं गद्दार। हद तो तब हो गई जब उन्होंने उस रोज कहा, जो सवाल कर रहा है वह है मुसलमान, उसे चले जाना चाहिए पाकिस्तान। भाई साहब माफ कीजिएगा, कहीं आप तो नहीं है मुसलमान? आहंग में ढूंढा था हमारे पुरखों ने खुद को लाफानी करने का राज। वे उसे कपड़ों की तरह पहन हो गए थे जिंदगी और मौत के पार। हम अपनी बेआहंगी का महसूल चुकाते हुए रोज मर रहे हैं। वक्त एक बगुला है जो किसी को भी अपने चपेटे में ले सकता है। हर कारसाजी अपनी तामीर से पहले महज ख्याल गोई ही होती है। हुकूमत का कोई भी अदना सा फैसला, मामूली सा फरमान काफी है आपको ताउम्र करने को हलकान।